नमस्कार, आज की इस महावीर चक्र सीरीज में हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र पाठक के बारे में। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र पाठक का जन्म 30 जून 1934 में मऊ में हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र पाठक को भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में सिख लाइट इन्फेंट्री की एक बटालियन को लेकर के दुश्मन की फतेहपुर चौकी पर कब्जा करने का दायित्व सौंपा था और उस वक्त फतेहपुर चौकी दुश्मन की मजबूत चौकियों में से एक गिनी जाती थी। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र पाठक ने अपनी बटालियन सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ मिलकर के इस चौकी पर कब्जा किया और इस एक्शन में उन्होंने अपने खुद की परवाह किए बगैर अपने आप को दुश्मन के सामने रखा और अपनी टीम को अपने से पीछे रखा। इस असाधारण वीरता, कुशल नेतृत्व और देश के लिए सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने के लिए इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा गैरेंट्री अवार्ड से। इसी तरह की और वीडियोज पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।